हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। और मैं हूं वंदना, स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से मैं अपने स्किन की केयर करती हूं हफ्ता भर। तो चलिए देख लेते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे भी बिल्कुल जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव पैक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तो अगर नहीं देखा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी आप चैनल पे जाकर के भी देख सकते हो। लेटेस्ट वीडियो ही होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है ना आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बहुत हो गई है बातें, देख लेते हैं कि क्या क्या मैं करती हूँ। बहुत इजी मैं चीजें फॉलो करती हूँ, बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ती। आपको देखने में जरूर इजी लग सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये चीजें होती हैं। एक बार ट्राई करके आप देखना। तो इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भी जो सब कुछ मैंने ट्राई किया है आप डेली वही वही करते जाएंगे। तो जो भी आपकी स्किन टाइप के, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी होती है तो उस चीज को अपने चेहरे पे, अपने फेस पे, स्किन पे ना यूज करें। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज यूज करते हो थोड़ा सा पेस्ट टेस्ट कीजिए। अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो आप उसे रेगुलरली यूज कर सकते हो, और अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, इचिंग वगैरह हो रही है, कोई रैशेज पड़ रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, मतलब उस नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज नहीं करना है। नेचुरल इंग्रेडिएंट भी कई बारी हमारे फेस पे एलर्जी कर देते हैं, कई कई लोगों को सूट नहीं होते। तो चलिए पहले क्या करना है, सबसे सस्ती वाली चीज एलोवेरा जेल। अगर आपके पास आपके घर में प्लांट है, बेस्ट चीज है, उसको फ्रेश आप लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आप इस केस में रेडीमेड जो भी मार्केट में मिलता है, चाहे से आप कोई से भी ब्रांड का ले रहे हो, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल का ये एक लीफ, देखिए इस तरह से। और अब मैं इसका एक छोटा सा पीस काट लूंगी, साइड से, किनारों से इसके जो कांटे होते हैं उनको भी काट लूंगी। और अब इसको बीचों बीच से इस तरह से काट के, अब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब या क्या बताऊं मैं। एलोवेरा एक ऐसी चीज है, जब आप एलोवेरा को यूज करते हो तो उसके साथ आप अगर इस तरह से फ्रेश अपने घर का अगर आप प्लांट ले रहे हो, तो उसके साथ आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। मतलब ये खाली सिंगल ही इसमें वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करती है, ग्लोई बनाती है, आपके पोर्स को श्रिंक करती है। अगर एज इफेक्ट आपके फेस पे दिखना शुरू हो गया है, झुर्रियां, रिंकल्स वगैरह पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए आपकी स्किन को टाइट करता है। बहुत सारे यूज है मतलब इसके। तो आपको फिर अब कुछ नहीं करना है, खाली लीजिए और अपने फेस पे से कीजिए अच्छी तरह से मसाज। जब आपका ये जेल सूखने लगता है ना, तो आपको इस तरह से ना अपने अंगूठों से प्रेस कीजिए, फिर से आपका जेल जो है ना निकलना शुरू हो जाता है। बस उसी को, जब तक ये आपका जो इसका बाहर वाला छिलका है ना, ये ना दिखना, मतलब रड़कना आपके फेस पे, जब आपको एहसास ना हो जाए कि अब इसमें कोई जेल नहीं रह गया, तब तक आप इसे मसाज कीजिए। और बस मसाज कीजिए, लगभग आप 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप तब तक अपना घर का बाकी का काम कर लीजिए, और उसके बाद फिर अपना जो है ना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। और इसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, जो भी आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। और अगर आपको फेस अपना भी नहीं वॉश करना है तो आप इसे पूरा दिन भी रख सकते हो, मतलब जब तक आप अपने, मेरी तरह गृहिणी हो तो जिसे साफ सफाई करनी है, बच्चे अभी तैयार करने हैं, या जो भी काम है आपके, तो वो निपटाते रहिए आप। बाद में जब आपने नहाना है तब आप इसे वॉश कर सकते हो। चलिए ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल, जो मतलब कुछ नहीं करना चाहते हैं वो इतना सा कीजिए, डेली कीजिए। आपको ये जो चीजें मैं बता रही हूं आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। इसके बाद अभी बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या है, ये है टमाटर। टमाटर हमारे घर में, किचन में होता ही है, मतलब सब्जी में तो हम डेली यूज करते ही हैं। तो अगर आपने पूरा भी वेस्ट नहीं करना है, तो जब आप सब्जी में काट रहे हो ना, तो वहां से आधा जैसा काट के साइड में रख लीजिए अपने फेस के लिए। अगर आपको फेस को ग्लोई बनाना है, दाग धब्बे दूर करने हैं, और दमकता हो ना टमाटर की तरह, लाल लाल फेस चाहिए, तो टमाटर आप रख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए क्या करना है, आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है। देखिए वैसे तो मैं यही बोलूंगी आपको कि जो हम घर में अपने खाते हैं हल्दी, तो उसमें फूड कलर हो सकता है, हमें क्या पता कि वो प्योर है या नहीं है। तो आप प्योर फॉर्म में
जैसे अम्बा हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी उस तरह की रख सकते हो अपने फेस के लिए, क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है और हल्दी जो है ना हमारी स्किन को नेचुरली निखारने का काम करती है। तो अपने घर पे जरूर रखिए इस तरह से ऑर्गेनिक हल्दी। तो बस वही आप चुटकी भर डाल दीजिए यहाँ पर टमाटर के अंदर ही, थोड़ा सा आप फोक की हेल्प से इसे स्क्वीज कर लीजिए, मतलब इस तरह से जैसा भी आप देख ही रहे हो वीडियो में। और उससे क्या होगा कि ये टमाटर के अंदर तक जाएगी, और ये जो टमाटर है ना इसे भी हमने बस जैसे एलोवेरा जेल को मसाज किया था अपने फेस पे उसी तरह से मसाज करना है। यहां पर भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रह जाती है, बस सिंपल ये जो एक टमाटर है ना और इसमें जो आपने हल्दी डाल दी है तो बस अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हाँ एक बात कि आपके दिमाग में बात आएगी कि हल्दी डालने से कहीं आपका फेस पीला तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका फेस पीला नहीं होगा। और जो हमने मतलब ये टमाटर यूज किया है इसमें विटामिन सी काफी हाई क्वांटिटी में होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, तो विटामिन सी जो है ना आपके वो हल्दी वाला जो आपका पीला वाला स्टेन लगने वाला है उसको जो है नहीं लगने देता है। तो इसलिए जब भी आपको हल्दी यूज करनी है तो आप विटामिन सी जरूर ऐड कीजिए, मतलब चाहे से आप एलोवेरा जेल के साथ यूज कीजिए हल्दी को, चाहे से आप इस टमाटर के साथ या फिर नींबू के साथ, तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अगेन कहना चाहूंगी जो चीज आपको सूट नहीं करती आप उसे यूज ना करें। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप उस केस में ऑरेंज जेल घर पे रख लीजिए, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर कुकुम्बर जेल आप वो रख सकते हो, वाई कर लीजिए एक बार, मतलब चाहे से ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपने करना है। तो बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं ये चीज जो मैंने आपको बताया, कुकुम्बर जेल साथ ही ये ऑरेंज जेल, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तो इन्हें भी आप नाइट क्रीम की तरह अपने फेस पे लगा करके रख सकते हो और सो जाइए, सुबह फिर आप ठंडे पानी से अपना चेहरा धो सकते हो। चलिए अभी बात करते हैं नींबू की। तो नींबू देखिए मैं अपने फेस पे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मुझे किसी तरह की एलर्जी नहीं होती। हाँ डायरेक्ट आपको नहीं यूज करना होता है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो क्या करना है देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूं अब एक पैक। पैक बनाने के लिए पहले तो ले लिया है मैंने एक ये खाली बाउल, मिक्स करने के लिए ये स्पैचुला लिया है, आप स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो। और अब देखिए इसमें मुझे क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा जेल या फिर अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट वाला भी इसमें ऐड कर सकते हो। लगभग आधी जैसी चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल की ऐड करनी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैं बहुत बार आपको बताती हूँ, विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है और आपके बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन होती है, तो ये एक जो है कैप्सूल मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर लिया है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है हनी। हनी हमारी स्किन को नेचुरली ग्लोई ब्राइटन करने का काम करता है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो ये भी आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। और बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको यहाँ पे हनी ऐड करना है। अब देखिए सारी चीजों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, और अब इसमें आपको ऐड करना है लेमन जूस। लेमन जूस लगभग 5-7 बूंदे आप इसमें लेमन जूस की ऐड कर लीजिए। अगर आपको एलर्जी होती है तो आप यहाँ पे संतरे का जूस भी ऐड कर सकते हो या फिर संतरे का जेल ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे नींबू, क्योंकि मुझे कोई एलर्जी नहीं होती तो मैं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए आपको डाल देनी है इसमें मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है गर्मियों के लिए, मतलब सबसे अच्छी चीज अगर ढूंढे आप तो यही होती है। तो बस सारी चीजों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ गुलाब जल का। आप चाहें तो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और ऑयली स्किन है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो गुलाब जल डालने के बाद अच्छी तरह से कर लीजिए इसको मिक्स, और अब लगा लीजिए अपने चेहरे पे। चेहरे पे लगाने के बाद आप इसे 20 से 25 मिनट तक रख लीजिए अपने चेहरे पे, और फिर बाद में अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। हाँ आपका फेस बिल्कुल सूख जाएगा तो एकदम से मतलब ऐसे मतलब रगड़ने लग जाना, पहले थोड़ा सा पानी फेंक के थोड़ा सा इसको मतलब भिगा लेना, फिर आप हल्के हाथों से रगड़ते हुए अपने फेस से इस पैक को रिमूव कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये पैक है, हफ्ते में एक बार आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसे हफ्ते में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही इजी इजी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, बहुत टफ कुछ भी नहीं है, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। ये जो स्किन केयर मैंने आपके साथ शेयर की है तो डेली बेसिस पे, जो कि मैंने पहले के 2 स्टेप्स आपको बताए हैं टमाटर और इसके एलोवेरा के, तो ये मैं फॉलो करती ही करती हूँ
एक दिन मतलब ये कर लिया, एक दिन ये कर लिया, जैसे भी आपको सुटेबल हो, और अगर किसी चीज से एलर्जी हो तो उसको छोड़ के आप दूसरे को पकड़ लीजिए, तो इस तरह से। और बाकी ये जो पैक है तो इसे मैं हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल करती हूँ, तो जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरह से आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाता है, पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट कीजिएगा। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।